हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये है, संडे का दिन है और ये 12:30 बजे का टाइम होगा, 12:30-1 बजे का टाइम है। और क्योंकि बिस्तर वगैरह सब मैंने डाले थे वो धूप में डाले थे, तो फिर यहाँ पे मैंने समेट रही थी और मतलब रखी रही थी, क्योंकि आज हमें रूम पे जाना था। और तो इस समय खाना पीना भी बन गया था, मतलब सुबह का पूरा काम हो गया था। उसके बाद मैं कहीं गई थी, वहाँ से भी आ गई, तो फिर मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह समेट देती हूँ। और इससे पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट मॉर्निंग में किया था, बट वो क्लिप सारी डिलीट हो, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी ना, वो शूट ही नहीं होती हैं। लगता तो है कि वीडियो बन रही है बट वो शूट ही नहीं होती हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या होता है क्या नहीं होता। फ़ोन में बहुत सारी क्लिप ऐसी होती है कि जो मतलब शूट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने ना खिड़की की जो खत्ती होती है ना खोलने वाली, वहाँ पे फ़ोन अटका रखा था और इन्हें पता नहीं चला था कि फ़ोन नहीं मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये लगे थे यहाँ पे फ़ोन पे बात करते। फिर मैंने इस टाइम पे बोला था तो तब ये जाके हटे यहाँ से, तो मतलब इन्हें पता नहीं था कि भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बस यहाँ पे काम था। और हाँ, खाना ना मतलब सास जी ने बना दिया था, क्योंकि मैं कहीं गई थी बताया था ना, तो उन्होंने बना लिया। फिर मैंने कहा चलो मैं अपने रूम के ये बिस्तर वगैरह रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब काम हो रहा था। हेलो फ्रेंड, तो कल के बाद मतलब कल से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, आज आपको मिली। तो हम आ गए हैं अपने रूम पे आ गए हैं, और कल शाम को गए थे राशन लेने। तो ये है राशन, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी सारा काम हो गया है, 12:30 बजे हैं और मैंने आलू उबाल दिया आज, आलू टमाटर की मतलब हमारे यहाँ झोल बोलते हैं, तो वो बनाऊँगी। और इनका राशन पानी वो करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस हाँ, जैसे पहले ब्लॉग में आपको पता चल ही गया होगा कि हम जिस काम में गए थे वो काम नहीं हो पाया। चलो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की जैसी मर्जी है वही होगा। हम चाहे कितना भी सोच ले, कितना भी सोच, अब मेरा तो ऐसा हो रहा है कि जितना भी मैं सोच रही हूँ वो मतलब हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। सर्फ इस बार मैं कम लाई क्योंकि सर्फ था हमारा। और ये है नवरत्न मिक्स बॉर्न, ये है पास्ता सॉस, चाय पत्ती, धूप बिस्किट, ये नूडल्स हैं, और ये है मैक्रोनी, ये है नमक, जो मैगी खा भी ली है, और ये पनीर स्लाइस है, रिफाइंड है, ये जैम है, चोको है बच्चों के, ये विंग जेल है, और कपूर भी लाई मैं कपड़ों पे रखने के लिए। और हाँ, स्पेशल चीज़ और ये बिस्किट वगैरह तो है, कुछ चीज़ सामान ऐसे जो रख दिए ये लाई हूँ। वाइप्स बोलते ना बहुत अच्छे होते हैं किचन की सफाई के, तो खोल के दिखाती हूँ। ये है किचन वाइप्स बोलते, बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे लग रहे हैं। वैसे इसमें है 6 पीस हैं, तो मतलब ये है कि इस बार जैसे सर्फ नहीं लाई मैं और साबुन नहीं लाई नहाने के कपड़े धोने के, वो थे मेरे पे तो इसलिए नहीं लेके आई, तो उसके बदले में ये ले आई। तो ऐसे मैनेज कर लेती हूँ, जैसे कुछ चीज़ कम है लानी है इस बार तो कुछ एक्स्ट्रा सामान ले आती, तो ये लाई हूँ। इसमें 6 वाइप्स हैं, काफ़ी चल जाएंगे ये, तो बस एक एक करके यूज़ करूँगी। नहीं, 5 वाइप्स हैं, तो अभी फिलहाल एक निकालूंगी, यूज करके बताऊंगी आपको कैसे हैं ये। स्ट्रीक फ्री क्लीनिंग, तो चलो इस बार वाइप्स यूज करेंगे, तो इसको अब संभाल दूंगी, इसको फोल्ड करके रख दूंगी यहाँ पर, तो अब सामान रखती हूँ। हाँ, और ये दिखाया मैंने फेस वॉश लाई हूँ,
और ये सब, और एक लाई हूँ मैं गुलाब जल, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो मेरे पास ख़त्म भी हो गया था ना गुलाब जल, गुलाबरी का है तो ये लाए, तो मतलब मिल जाता है वहाँ ना इजी टेस्ट से जाल बनाते हैं तो वो मिल जाता है, लगभग लगभग सभी चीज़ मिल जाती है। दाल वगैरह लाई क्योंकि दाल भी थी इस बार, और बस बच्चों का ये जैम सूप वगैरह तो जरूर लाते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो उसको खिलाते ही लाते हैं। तो इस बार ये भी मैं फर्स्ट टाइम लाई स्लाइस, पनीर स्लाइस सैंडविच में लगाने के लिए, तो देखते हैं। चलो फिर सामान सब रख देती हूँ। अधिकतर सामान मैंने रख दिया है, कुछ सामान है जो अभी कुछ यूज़ होगा और जो डब्बों में भरेगा, डब्बों में मैं दे रहे हैं तो हो जाएगा दो चार दिन में, होता है ना ये ख़त्म होने वाला, तो वो मैंने बाहर रख दिया, जो अभी है वो मैंने डब्बे के अंदर रख दिया, तो बस मिलती हूँ आपको बाद में। आज है रोज़ डे और मैंने नहीं दिया है रोज़, बट इन्होंने नहीं दिया और इन्हें पता था, फिर भी मुझे तो पता भी नहीं था, वो मुझे किसी ने बोला एकदम से, तो मैं गई लेने, और ओरिजिनल है, मैं फेक तो बहुत मिल रहे थे बट मैं बहुत दूर गई, अब वो मेरी तबीयत ख़राब है इस, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए नहीं लाए, देखो मैं बीमारी के चक्कर में नहीं लाए हुआ है, मैं भागा। अच्छा सर दर्द हो रहा है, पढ़ा ये कोई बात नहीं, ये कोई बहाना हुआ कि मेरे सर दर्द हो रहा था तो ये भाग के आए और मतलब जल्दीबाजी में आए और रोज मिलाई, ये तो कोई बात नहीं, मैं तो बीमारी में भी जो बीमार थी वो तो लेके आई, और आप देखो देखो ये जमाना आ गया अभी दे दूंगा अभी, अब वो तो अलग बात है ना, वो देना तो अलग बात है, बट देखो आप लोग भी बोलो नॉट फेयर।